रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, इनमें सबसे पहले आपकी योगात्मक क्रियाएं, या इनको हम क्या कहते हैं, संकलन क्रियाएं। संकलन शब्द का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। अब हम अगर परिभाषा की बात करें तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योग हो रहा, जुड़ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, योगात्मक क्रियाएं। पहला उदाहरण आपके सामने है हाइड्रोजन, जो गैसीय अवस्था में होता है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, H2O बनता है। ये क्यों बनता है, उसका कारण है हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है और ऑक्सीजन की दो होती, और जब हम लोग सूत्र बनाते हैं तो संयोजकताएं क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो दो एक यहाँ पर आ गया, दो यहाँ पर, तो इसका सूत्र क्या हो गया, H2O। एक चीज याद रखना, कभी भी कोई समीकरण लिखना तो उसको संतुलित जरूर करना, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो गलत है, और बैलेंस समीकरण नहीं हो रहा तो वो अभिक्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन दो है, दो है इधर भी, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के दो है, यहाँ पे एक है, इसको दो करने के लिए इसको दो से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, दो का दो से मल्टीप्लाई किया गया, चार हो गया, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को कितने से गुणा करना पड़ेगा, दो से। अब समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित। तो दो पदार्थ थे आपस मिलके, इन्होंने एक पदार्थ का निर्माण कर लिया। नीचे देख लीजिए, ये CaO, इसको हम लोग चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूना, ठीक है। CaO है, इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। आप लोग जानते हैं घरों में कभी कभी पुताई की जाती है, जब तो उसमें बाहर से चूना लाते हैं और चूने को काहम डाल देते हैं पानी में, तो पानी क्या होता, खौलने लग जाता है। अब खौलने लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा छेपी, इसके आगे आपको बताएंगे इसके विषय में। तो चूने को किसमें डालते हैं, पानी में। अब यहाँ पर भी वही गेम हुआ है, ठीक है। CA के ऊपर प्लस टू होता है, OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसके ऊपर माइनस वन होता है। जब सूत्र बनाते हैं तो संयोजकता है बदल देते हैं, तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर तीन होता तो थ्राइस हो जाता, नाम क्या हो गया, जो जैसे होता वैसे लिख लेते हैं। CA को क्या बोलोगे, कैल्शियम, OH को क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड, तो पूरा नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ये अमोनिया कैसे बना, ऑलरेडी यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, नाइट्रोजन दो और दो गामा पांच, और यहाँ पे संयोजकता इसकी तीन हो गई और इसकी एक हो गई, तो तीन इसकी एक इसकी, तो चेंज हो जाएगा, इसको भी संतुलित कर लेते हैं। एन के दो है, इसको दो से गुणा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तीन दूनी कितने हो गए, छह, इसको तीन से गुणा किया गया, तीन दूनी कितने हो गए, छह, यानी समीकरण आपका क्या हो गया, बैलेंस। इन अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। बेटा दूसरे टाइप की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा और आगे लिखा हुआ छेपी, छेपी का मतलब क्या होता, बाहर निकालना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते, जैसे हम आपसे कह दें कि भाई शरबत बना के लाना और बर्फ का पानी आपको दे दे, तो आप कहेंगे इसमें टाइम लगेगा सर, क्यों, क्योंकि जब ठंडापन बढ़ता है तो चीनी वहां पे आसानी से घुलती नहीं, उसकी विलेयता कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमने अभी आपको बताया गर्म सोडा अगर आप ले लेते हैं, जिसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं, उसको अगर हाथ में लेकर दो चार बूंद पानी आप डालेंगे तो हाथ क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। जब हाथ गर्म होने लगता है तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, और अभिक्रिया होने के बाद आपके हाथ में क्या हो गई है, गर्मी निकल रही है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। मैंने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी अगर ऊष्मा जनरेट हो रही है तो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, ऊष्मा छेपी। सबसे सरल उदाहरण इसका जो होता है, आपके NCERT बुक में भी दिया है, देखिए चूना जो होता है, चूने का सूत्र भी मैंने आपको बताया CaO, और इसको अगर केमिकल नेम देखें तो ये होता है कैल्शियम, CA को कैल्शियम और O को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड,
ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना। अब क्या करेंगे, देखिए बिना बुझा चूना है, इसमें हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। पानी का सूत्र सब लोग जानते हो, HOH होता है। अब ये दोनों, अभी एक रिएक्शन मैंने इसके पहले बताई थी, CA के ऊपर डबल प्लस आ जाता, OH के ऊपर माइनस, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पे ऊष्मा जनरेट हो जाती है, यानी हीट आपकी जनरेट हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, CA का एक O के दो, तो दो से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दो एक कम दो, ये गुणा यहाँ तक नहीं है क्योंकि इसके बाहर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो दो एक कम दो, यानी कहने का मतलब है ऑक्सीजन भी आपके संतुलित है और हाइड्रोजन भी आपकी क्या है, संतुलित है। तो बिना बुझा चूने से, ठीक है, एक तो अभिक्रिया आप ये देखते हैं, दूसरा आपने कॉमन देखा होगा किसी भी चीज को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, अगर किसी भी चीज को आप जलाते हैं तो जलाने के बाद आपको ऊष्मा जरूर प्राप्त होती है, ठीक है। वैसे ही एक एग्जांपल होता है, एक गैस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CNG, CNG का पूरा नाम सब लोग नहीं जानते हो तो जान लो, सी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी हिंदी बोले तो संपीड़ित द्रवित गैस बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है ज्यादा इसमें। तो CNG का मुख्य अवयव होता है CH4, और CH4 किसको बोलते हैं, मेथेन को, किसको बोलते हैं, मेथेन। अब मेथेन क्यों है ये भी आगे आपको जब एल्केन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, बस इतना जान लो कि कार्बन की संरचना 4 है और हाइड्रोजन की 1, किस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH4 बन गया, ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, कोई भी कंपोनेंट है अगर जलाना है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन आपको लेनी ही पड़ेगी, ऑक्सीजन जलती तो नहीं है लेकिन जलने में क्या करती, सहायता करती, CH4+O2, ठीक। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O। अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन के 2-4 है यहाँ पे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। हमने दो रिएक्शन आपको समझाए, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे सीख सकते हैं, आपने कभी प्रैक्टिकली अपने आप में दिमाग लाया, विज्ञान जितना प्रैक्टिकली जाएंगे उतनी आपको समझ भी आएगी। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में एक बंद कमरा हो, उसमें 10 लोग बैठे हो या 10 लोग रात में लेटे हो, तो देखा होगा कमरे का ताप धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, या सिनेमा हॉल्स वगैरह में आप देखते होंगे तो वहां पे बड़े बड़े लगे होते हैं, एग्जास्ट लगे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसका कारण होता है कि सिनेमा घर पूरा ब्लॉक होता है, दूसरी बात वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, सब लोग श्वसन की क्रिया करते हैं और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनती, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती तो हीट भी वहां पे जनरेट होती, और जब हीट जनरेट होती है तो फिर कुछ समय के बाद वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिसको बैलेंस करने के लिए ही वहां पे एग्जास्ट लगाए जाते हैं। एक समीकरण के द्वारा देखते हैं, देखिए हम लोगों के शरीर में पाया जाता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक। अब ग्लूकोज की हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन, मैंने कहा बिना इसके जलना संभव नहीं है। अब होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और आंख बंद करके समझ लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं मिले तो पानी बनेगा, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक, H2O हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारी क्या बनेगी, यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी। चलिए इस समीकरण को भी संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए एक समीकरण बता रहे हैं आपके यहाँ, पेपर में बहुत आता है, पूछा भी जाता है। कार्बन यहाँ पे 6 है, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 था, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, तो 12 करने के लिए यहाँ पे इसको भी 6 से गुणा करना पड़ा, 6 दूनी कितने हो गए, 12। अब बचे तुम्हारे ऑक्सीजन, तो 6 दूनी 12, 12 6 एकम 6, 12 और 6 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने है, 6, ठीक। अब तुमको क्या करना है, इसको किसी प्रकार से 18 करना है, ठीक, तो 6 तुम्हारे पास ये हैं, और 6 और कितने 18 होते, 12, 12 6 18 होते,
तो जाहिर सी बात इसको अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 ये 12 और 6 कितने हो गए 18। तो इन इस प्रकार हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को देखा, और परिभाषा मैंने आपको बताई है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन सभी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये स्कूल, प्लीज लाइक एंड शेयर।